समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए विभिन्न एनजीओ को अपनी सहभागिता निभानी चाहिए और समाज सुधार में आगे आना चाहिए। बाल विवाह जैसी कुप्रथा तभी रुकेगी जब जनप्रतिनिधि, आम लोग, एनजीओ मिलकर साझा प्रयास करेंगे। इससे समाज को नई दिशा मिलेगी और बाल विवाह जैसी कुप्रथा शून्य हो जाएगी। ये बातें विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो ने शनिवार को जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रति जागरूकता लाने के लिए न्यू टाउन हॉल में आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला में कही। श्री महतो ने कहा कि जिले में सैकड़ों एनजीओ सक्रिय हैं, उन्हें सामूहिक विवाह जैसे आयोजन में आगे आना चाहिए। साथ ही बताया कि राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह, अज्ञात शव का दाह संस्कार जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने पठन पाठन की दिशा में व्यापक प्रगति की है। इस मौके पर उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि लोग स्वतः बाल विवाह को रोकें, यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है। जनप्रतिनिधि, विभिन्न एनजीओ समाज के साथ नज़दीकी से जुड़े हैं, उन्हें लोगों को जागरूक कर बताना चाहिए कि बाल विवाह से बच्ची का जीवन खतरे में पड़ सकता है, वह उचित शिक्षा से वंचित रह जाती है, मानसिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है, घरेलू हिंसा एवं शोषण के शिकार हो जाती है। कम उम्र में विवाह होने से कुपोषित एवं कम वजन के बच्चे जन्म लेते हैं। कुप्रथा, अशिक्षा, सामाजिक दायित्व से जल्द मुक्त होने की इच्छा, लड़कियों को आर्थिक बोझ समझना, गरीबी, घटता लिंग अनुपात बाल विवाह का कारण है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह करना, बाल विवाह के लिए सहयोग करना या मध्यस्थता करना कानूनी अपराध है। इसमें 2 साल की कैद और 1,00,000 रुपए का जुर्माना है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि ऐसे मामले संज्ञान में आने पर बाल विवाह में सहयोग या मध्यस्थता प्रदान करने वालों पर अनिवार्य रूप से कार्रवाई करें। कार्यशाला में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कानून एवं दंड का प्रावधान सहित अन्य विषयों पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि बाल विवाह की सूचना बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, जो हर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, को दे सकते हैं। इसके अलावा 100 पर डायल कर सकते हैं या चाइल्ड लाइन के 1098 पर कॉल कर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी या कर्मचारी को भी सूचना दे सकते हैं। कार्यशाला का शुभारंभ विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, उपायुक्त संदीप सिंह, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। पोषण अभियान 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बागमारा एवं निरसा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, उपायुक्त संदीप सिंह, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप, सांसद धनबाद के प्रतिनिधि अजय कुमार तिवारी, विधायक झरिया के प्रतिनिधि KD पांडे, माननीय विधायक सिंधरी के प्रतिनिधि कुमार महतो, DSP लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार बिन्हा, DSP मुख्यालय 1 अमर कुमार पांडे, SDPO बागमारा CWUC अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी सहित विभिन्न पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। ये समाज कल्याण विभाग का एक जागरूकता कार्यक्रम जिसका मुख्य विषय बाल विवाह की जो कुरीति है उसके संबंध में जो नियम है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, जो कई बार ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में जो शिकायतें हम लोग देखते हैं, तो सिर्फ नियम का डर नहीं रहे लोगों को, एक्चुअली ये समझ में आया कि बाल विवाह क्यों ख़राब चीज़ है। वो जिस बच्ची का बाल विवाह हो रहा है, बच्चे का बाल विवाह हो रहा है, उसके जीवन को केवल ख़राब ही नहीं कर रहा, कई बार खतरे में भी डाल रहा है। कम उम्र में शादी हो जाना, उसके बाद कम उम्र में फिर शादी के पश्चात माँ बनना, वो फिज़िकली जिस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है, मेंटली जिसके लिए रेडी नहीं है, तो वो नहीं हो। जो नियम के प्रावधान हैं उसके बारे में लोगों को बताया गया कि उनको ये पता रहे कि अगर वो करते हैं तो उसके विधिक प्रावधान क्या हैं। उसमें ज़्यादातर जो ऑफेंसेज हैं, अपराध हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, 2 साल की सज़ा है, 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना है,
लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस तो जिन केसेज में वायलेशन होता है हम लोग करते ही हैं, केसेज को आइडेंटिफाई करके FIR दर्ज करना, लोगों की अरेस्टिंग करना, सज़ा करना, लेकिन उन्मूलन का जो मुख्य बेसिस है, जो मुख्य फोकस है, वो ये है कि लोगों को समझ में आए कि बाल विवाह क्यों ठीक चीज़ नहीं है। 18 वर्ष कम से कम या उससे ज़्यादा जब तक कि वो बच्ची या बच्चे पढ़ने चाहें तो उनको पढ़ाएं, ताकि उनका बौद्धिक, शारीरिक, बाकी विकास हो, वो जीवन में अपने जनरल जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो सकें, बजाय कि बहुत जल्दी हम उनकी शादी कर दें, कम एज में उनकी शादी कर दें और हर तरह से वो रेडी हों, हर तरह से वो सारी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हों, वो करें, और कम उम्र में करने से वो नहीं हो पाता है, ये मैसेज लोगों तक पास हो। उसी कड़ी में हम लोगों ने सभी मुखिया, पंचायत के सभी प्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, पुलिस के पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी, सभी BDO जात के साथ में आज एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर आयोजित किया। इसके लिए आपने क्या? हम लोग का जो प्रयास है, देखिए पूरे देश में पश्चिम बंगाल और झारखंड इस मामले में काफ़ी पिछड़ा है। हम लोग का प्रयास है कि जितने भी NGO है राज्य में, उन लोग अगर चाहे और जनप्रतिनिधि चाहे तो निश्चित रूप से इसको हम लोग बाल विवाह को रोका जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि सभी जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि है आए दिन जनता के समक्ष रहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से जरूर ये बात का हम लोग कहना चाहेंगे कि इसका फायदा मिलेगा और बाल विवाह अब देखिए कि बहुत धीरे धीरे कम होगा।